नमस्कार, आप सुन रहे हैं रफ्तार और हम हाजिर हैं शाम की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के नागपुर की एक फैक्ट्री में हुआ दर्दनाक हादसा, ब्लास्ट से हुई 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के बीच पीएम मोदी ने एनएसएस समेत दूसरे अधिकारियों के साथ की मीटिंग। विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह पहुंचे, कुवैत पीड़ितों से मिलकर लिया मामले का जायजा। जल मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 जून को होगी नीट परीक्षा आयोजित, 1563 कैंडिडेट ले सकेंगे हिस्सा। चांदी में बेतहाशा गिरावट, 2000 रूपए टूटकर नीचे आई तो सोना भी 600 रूपए तक हुआ सस्ता। पेमा खांडू ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। नीट को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री बोले, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज बांग्लादेश और नीदरलैंड में भिड़न, एंगल ब्रेक और तौहीद पर सबकी नजरें। पुष्पा 2 के फैंस होंगे निराश, 15 अगस्त को नहीं रिलीज हो पाएगी अल्लू अर्जुन की फिल्म। तो ये थी शाम की 10 बड़ी अपडेट। ऐसी और भी अपडेट्स और जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रफ्तार।